बेबाक बात में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी और आज हमारे साथ हैं मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल साहब। जिस तरीके से SC ST एक्ट को लेकर के पूरे ही मुल्क भर में बवाल मचा और कई सारे लोगों की जाने गई, उस पर क्या कहेंगे? और मुल्क की जो सियासत चल रही है, राजस्थान की जो सियासत है, किस तरीके से वो इन चीज़ों को देखते हैं, कैसे इसको ले रहे हैं, इस पर बात करेंगे। बहुत सारे और ऐसे इशूज़ हैं जिनके ऊपर हम आज इनसे बातचीत करेंगे। सर, इस्तकबाल है आपका, कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए खुर्शीद जी। SC ST एक्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, लेकिन उसकी मुखालफत पूरे ही मुल्क भर में हुई और 2 तारीख को जिस तरीके से बवाल मचा पूरे मुल्क में बंद के नाम पर, कई सारे जो है लोगों की जान चली गई, तकरीबन 1 दर्जन लोगों की जान चली गई अलग अलग जगहों पर, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और कई सारी जगहों पर। तो किस तरीके से देख रहे हैं, कहाँ चूक हुई मरकजी हुकूमत से? देखिए, इसमें 2-3 बातें मैं जी कहूँगा। SC ST एट्रोसिटी एक्ट 1989 में पास किया जब VP सिंह की सरकार थी, मतलब प्रधानमंत्री VP सिंह जी थी और भारतीय जनता पार्टी बाहर से समर्थन दे रही थी। उससे पहले 1955 का सिविल राइट्स का एक विषय था, उन्होंने कहा बहुत कमज़ोर विषय है, एक्ट होना चाहिए। 89 में एक्ट बना, 1989 में वो बनने के बाद भी कहा गया और कमज़ोर है। बाद में उसके बाद भी तो सरकारें रही, लेकिन किसी ने उसको मजबूत नहीं बनाया। उसके बाद मोदी जी की जब गवर्नमेंट आई 2014 में, तब ये विषय सामने आया तो प्रधानमंत्री जी का नहीं, हमें इसको मजबूत बनाना है और मजबूत बनाया इसको। 2015 में दोनों सदनों ने पास किया, राष्ट्रपति जी के साइन हुए और 1 जनवरी 2016 से ये लागू हो गया। लागू होने के बाद इसका दायरा भी बढ़ गया और एक जो कन्विक्शन रेट थी जो पहले 3 या 4% होती थी वो एकदम 27-28% तक पहुंच गई। इसका मतलब ये सक्सेसफुली रन किया। ये जो केस आया एक किसी महकमे में कोई स्टोर कीपर थे, उनके और अधिकारियों के बनी नहीं, तो अधिकारियों ने उसकी CR खराब कर दी। CR खराब करने पे उसने कहा नहीं, मैं जो गलत काम तो नहीं करूँगा, ये विषय अब जांच का है जी। तो CR खराब हुई तो उसने SC ST एट्रोसिटी के तहत मामला दर्ज कर दिया। दर्ज किया तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, वो जो अधिकारी थे डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन, वो चले गए बॉम्बे हाईकोर्ट। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा नहीं, हम आपको रिलीफ नहीं दे सकते एज पर एक्ट। तो वो मामला आ गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में इनमें आर्टिकल 21 के तहत इसमें सुनवाई होने लगी। एक्ट की विषय चीज़ें अलग रह गई और एक व्यक्ति की गरिमा और डिग्निटी ऑफ लाइफ, उस चीज़ों पर बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसमें एक SSP लेवल का आदमी पहले जांच करेगा, उसके बाद FIR दर्ज की जाए। अब इससे क्या हुआ कि ऐसा भ्रम फैलाया गया कुछ लोगों के द्वारा जी कि SC ST एक्ट एट्रोसिटी एक्ट समाप्त कर दिया। मैं रिजर्वेशन की भी बात आ गई कि भाई रिजर्वेशन भी समाप्त हो जाएगा, नहीं वो गलतफहमियां फैलाई गई, वो फैलाई गई अफवाहें। वो रिजर्वेशन समाप्त कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री कई बार बोल चुके हैं कि रिजर्वेशन संवैधानिक अधिकार है, उसको खत्म नहीं कर सकता, कोई खत्म नहीं कर सकता। कई बार बोल चुके हैं, एक बार नहीं और कई बार हम समाज की बैठकों में बोल चुके हैं, भाई ये भ्रम में मत रहो। आप क्यों भ्रम में, किसी ने कह दिया रिजर्वेशन समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा क्या रिजर्वेशन? संवैधानिक अधिकार है। हाँ, पदोन्नति में आरक्षण वाला एक अलग विषय है जिसके लिए अलग चर्चा हो सकती है। रिजर्वेशन कौन समाप्त कर सकता है? और प्रधानमंत्री जी ने तो यहाँ तक कहा कि कोई नहीं कर सकता रिजर्वेशन समाप्त, यहाँ तक कहा उन्होंने। हाँ, क्योंकि अभी तो आप प्रधानमंत्री से मिले भी थे, आप थे, रामदास अठावले थे और रामविलास पासवान जी थे, बहुत सारे लोग थे, पूरा ग्रुप आप जो है लेकर के गए थे। वो ये इसी विषय को, जब ये 20 मार्च को फैसला आया तो हलचल तो शुरू होनी थी जी, हलचल शुरू हुई। तो आपको एहसास था इस बात का कि ये सब हो सकता है? नहीं, हलचल शुरू हुई क्योंकि भ्रम फैलाया जा रहा था और ऐसा आ रहा था अखबारों में भी कि SC ST एक्ट के प्रावधान हल्के कर दिए या कमजोर कर दिए या कई जगह ऐसा लिख दिया निष्प्रभावी कर दिए, और ये निष्प्रभावी कर दिए इसको लेकर के हलचल हुई है। तो कई राजनीतिक दलों ने इसका बेनिफिट उठाने के लिए, मुझे ऐसा लगता है जी, अपने भी जो मीडिया सेल था उनको भी एक्टिव किया। तो सोशल मीडिया में ये हलचल ज़्यादा हुई और सोशल मीडिया में किसी ने एक पोस्ट डाला कि 2 अप्रैल बंद किया जाना चाहिए और उसको फिर समर्थन मिलता गया और 2 अप्रैल बंद हुआ। लोकतंत्र में किसी भी वर्ग को अपना बात कहने का एक हक है, अधिकार है, कहना भी चाहिए। लेकिन ये आंदोलन हिंसक क्यों हो गया, या जो ये वायलेंट हुआ, ये एक चिंता का विषय था और उसके बाद उसके रिएक्शन भी आ रहे हैं। SC ST एट्रोसिटी एक्ट के बारे में
जब ये भ्रम फैलाया गया कि ये सरकार इसको समाप्त कर रही है, जो गलत था। आपने देखा होगा एक जज का नाम भी ले रहे थे सोशल मीडिया में, एक जज को किसी नेता से जोड़ रहे थे, सारे भ्रम की स्थिति में ये सारी बातें चली। 20 मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ, 20 मार्च को फैसला आता है। सरकार में लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट से वेट भी करना पड़ता है अधिकृत कॉपी मिलने के बाद। 6 दिन की छुट्टियां आ गई तो डिले कहाँ हुआ? हम करीब 27 तारीख के आसपास तो कहने लगे कि हमने पुनर्विचार याचिका डालने का निर्णय ले लिया है। 27 को कहा हमने, 28 को भी कहा हमने, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने देर की है वहां पर पहुंचने में। मतलब 2 तारीख के बाद वो पहुंचते हैं या वो देते बताते हैं कि नहीं हालात बहुत खराब है, ये जो फैसला है इसको बदलना चाहिए। देखो ये खुशी जी, मैं इसको भी क्लियर करना चाहता हूँ, ये मामला महाराष्ट्र सरकार से संबंधित था जी। जैसे मैंने कहा ना, महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्रालय में वो मिस्टर गायकवाड़ थे जो स्टोर कीपर थे, उनका और मिस्टर महाजन उनके बीच का झगड़ा था, तो महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ था। भारत सरकार इसमें पार्टी नहीं थी, लेकिन कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि इनको लेटर भेजा तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इसमें पेश हुआ, वो भी पेश हुआ। अब ये कह रहे हैं सीनियर एडवोकेट क्यों नहीं पेश हुआ, तो सीनियर एडवोकेट अब पेश हुआ है ना, अटॉर्नी जनरल खुद पेश हुए हैं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का मन, अभी जजमेंट तो नहीं आया लेकिन कमेंट तो आज अखबार में सब आई गए ना जी। तो ये विषय समझ में आना चाहिए कि ये मामला जो है वो आर्टिकल 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है, तो इसमें ऐसी एट्रोसिटी एक्ट में प्रोसीजरल के साथ छेड़छाड़ी करने से अगर निष्प्रभावी होता है तो ही तो भारत सरकार ने कहा कि हम समझ रहे हैं ये निष्प्रभावी हुआ है, इसलिए इसमें हम अपील में गए और तभी हम रिव्यू में गए। 12 दिन थे सर आपके पास या आपकी हुकूमत तो 6 दिन तो छुट्टी होगी, छुट्टी तो होगी लेकिन हुकूमत की छुट्टी नहीं होती ना सर, सरकार की छुट्टी नहीं होती, प्रधानमंत्री की छुट्टी नहीं होती, वो सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी थी ना। किसके साथ आपको नहीं लगता कि कुछ तो चूक नहीं है? कोई चूक नहीं, नहीं पाया आप सिचुएशन को? नो, कोई चूक नहीं है, भ्रम ही फैलाया गया है, कोई चूक नहीं हुई है। मैं कहता हूँ कांग्रेस गवर्नमेंट में ऐसे कई डिसीजन आए हैं सुप्रीम कोर्ट में जिसमें केओ में तो रिव्यू नहीं लगी, और केओ में रिव्यू लगी है 3-4 महीने बाद, 5 महीने बाद। इसमें इतनी जल्दी रिव्यू लगने के बाद भी वो कांग्रेस पार्टी कहती है कि ये इन्होंने लेट की। लेकिन जितना नुकसान हुआ, एक दर्जन लोगों की जान चली गई, आपको लगता है कि इसको रोका जा सकता था? देखिए जो जाने जिनकी गई है मैं संवेदना ही प्रकट करता हूँ, और सरकार ने बहुत जल्दी में इस काम को करने का प्रयास किया, ऐसी नहीं है, बराबर लॉ डिपार्टमेंट से बैठ किया है और कंसल्टेशन प्रोसेस तो है ही ना इसमें, बिल्कुल। उसके बाद जब हमने तैयार किया उसको तो 6 दिन की छुट्टियां आ गई, सुप्रीम कोर्ट भी तो नहीं था, 2 तारीख को तो खुला, खुलते ही तो लगा दिया, और फिर जब हमने रिव्यू लगाया तो रिव्यू में भी हमने रिक्वेस्ट की। जनरली रिव्यू क्या होता है कि ओपन मैं नहीं सुनी जाती, हमने कहा ओपन कोर्ट में सुनी जाएगी, तो इसलिए हमने चीफ जस्टिस से भी रिक्वेस्ट की। इसका मतलब सरकार की गंभीरता तो समझ में आ रही है ना, और जब जैसे ही उन्होंने उस बेंच ने कहा नहीं हम नहीं सुनेंगे, या अभी वो उधर वो इसमें 3 बेंच में ये दूसरे जज आ रहे नहीं, तो हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से हमने रिक्वेस्ट करी, अटॉर्नी जनरल खुद पेश हुए, और होने के बाद फिर सुना गया और उसकी अगली 11 तारीख तय। ऐसा मैसेज क्यों जा रहा है कि जो मोदी हुकूमत है वो एंटी माइनॉरिटी है, एंटी दलित है, ऐसा क्यों है? चूंकि राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया और उन्होंने भी यही कहा कि आरएसएस और बीजेपी ये दोनों ही जो हैं ये एससी एसटी के खिलाफ हैं, ये दलितों को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते। देखिए आपने माइनॉरिटी का विषय भी छेड़ा है, मैं क्या कह रहा हूँ, मोदी जी इस देश का विकास करना चाह रहे हैं, मैं आपके माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ कि बाबा साहब ने जब संविधान सौंपा था जी 25 नवंबर 1949 को जी, तब एक बात कही थी कि 26 जनवरी 1950 को हमें राजनीतिक आज़ादी तो मिल जाएगी लेकिन सामाजिक और आर्थिक आज़ादी दिलाने का काम सरकारों का होगा। बिल्कुल, तो जो सरकारें आई वो सामाजिक और आर्थिक आज़ादी दिलाने में ज़्यादा सफल नहीं हुई। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, किया लेकिन रफ्तार ठीक नहीं थी, तेज नहीं थी। ये मोदी जी के आने के बाद इसमें रफ्तार तेजी आई है। मैं बताता हूँ, 2-3 कारण बताता हूँ। ये एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट ये पेंडिंग था ना कांग्रेस के शासन में भी, मोदी जी ने इसको पास किया, बोलिए सामाजिक समानता सामाजिक सम्मान देने का काम है हम करेंगे, किया। उसके बाद उन्होंने बाबा साहब से जुड़े हुए स्थान, ये सामाजिक समानता सम्मान का काम था, 500 तीर्थ स्थान, उनको तीर्थ स्थान का नाम दिया, अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में 200 करोड़ रुपए लागत से सेंटर का शिलान्यास कर उद्घाटन भी किया, जहाँ बाबा साहब ने अंतिम सांस ली वहाँ 100 करोड़ की लागत से एक भव्य स्मारक बनाया, और भी शिक्षा भूमि दीक्षा भूमि चैत्य भूमि सबका सुधार किया। दलित वर्ग बाबा साहब को अपना आइकॉन मानता है,
और उससे जुड़ने के साथ थोड़ी मोदी जी की दलित वर्ग में पॉपुलरिटी बढ़ी, और उसके बाद 3-4 योजनाएं ऐसी लाई जिससे आर्थिक सुधार हुआ। भीम ऐप ले लीजिए, स्टैंड अप इंडिया ले लीजिए, डिजिटल ट्रांजेक्शन भी दलित करने लग गया, बिल्कुल कर रहे हैं। और उसके बाद मुद्रा योजना, कम से कम 2,18,00,000 लोगों को, एससी के लोगों को लोन मिला। स्टैंड अप में भी उन्होंने कहा एक एससी एसटी एक महिला को लोन दीजिए। तो ये जो चीजें लाए ना, इससे क्या लगा? नहीं, इससे क्या हुआ, मैं क्या कहता हूँ, जो दलित समाज का आदमी कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ, जैसे मान लो कोई बीजेपी से जुड़ा हुआ उसको छोड़ दीजिए, कोई कांग्रेस से जुड़ा हुआ उसको छोड़ दीजिए, कोई बीएसपी से जुड़ा उसको छोड़ दीजिए, जो सामान्य दलित समाज का आदमी है वो मोदी जी को लाइक करने लग गया। और यही बात डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है, तभी तो राहुल गांधी बोल दिए कि इनके डीएनए में ऐसा। अरे उनके डीएनए में ऐसा, वो वीकर सेक्शन से खुद आते हैं भाई, वो वीकर सेक्शन का आदमी प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? वो आपके डीएनए में है कि आप डाइजेस्ट नहीं कर रहे हो, आपको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। और दूसरा विषय माइनॉरिटी वाली बात, मैं माइनॉरिटी वाली बात, लेकिन मायावती भी यही कह रही है कि प्राइम मिनिस्टर दलित विरोधी है, तो अगर राहुल गांधी कह रहे हैं तो जो खुद दलित बेटी है, जो खुद दलित वर्ग की लीडर है, वो भी कह रही है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो दलित विरोधी है। मैं आपको बहुत प्रामाणिकता से कह रहा हूं जी, ये प्रधानमंत्री कतई दलित विरोधी नहीं है, ये दलितों का उत्थान चाहते हैं, ये वोट बैंक के रूप में यूज दलितों को नहीं करना चाहते, ये चाहते हैं कि दलित जो बाबा साहब कह के गए सामाजिक आर्थिक समानता दिलाइए, उसकी दिशा में तेजी से बढ़े। और 2,18,00,000 लोगों को जो मुद्रा में लोन मिला, एक छोटा छोटी रकम, छोटा अमाउंट है। आपने बहुत सारे काम गिनाए सर, काम वाकई हुए इसमें कहीं कोई शक नहीं, जो है वो एक्ट भी बना है और जो आपने बताया है सब चीजें हुई हैं। लेकिन माइनॉरिटी की बात, मैं आ रहा हूँ माइनॉरिटी के ऊपर, लेकिन इसी दौरान बाबा भीमराव अंबेडकर की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां भी तोड़ी गई कई जगहों पर। इसी दौरान दलित वर्ग के कुछ नौजवानों के ऊपर या कुछ लोगों के ऊपर अत्याचार भी हुए हैं, उनको मार पिटाई हुई है अलग अलग वजहों से, तो लोग उन चीज़ों को भी देखते हैं कि भाई एक तरफ तो आप विकास कर रहे हो, विकास की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ जो है ये हमले हो रहे हैं। देखिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो मोदी जी की पॉपुलरिटी है ना वीकर सेक्शन में पर्टिकुलरली, ये कई दलों को हजम नहीं हो रही है, और कई दल जब हाशिए में चले गए, ये जितने चुनाव हुए हैं 2014 के बाद जी, तो जो दल हाशिए में गए उन्होंने एक नया एक नारा गढ़ा है कि मोदी जी दलित विरोधी हैं, मोदी जी अब अल्पसंख्यक विरोधी, ये नारा गढ़ा उन्होंने। हकीकत में मोदी जी इन वर्गों के लिए काम कर रहे हैं, और जब इन वर्गों के लिए काम कर रहे हैं वो कह रहे हैं जिसके पास हाथ का हुनर है, जैसे मैं माइनॉरिटी की बात करूं, साफ साफ कई बार कहते हैं कि माइनॉरिटी के लोगों के पास हाथ का हुनर है, उस समय कौशल बढ़ाएंगे। अगर स्किल इंडिया से अगर सबसे ज्यादा किसी को फायदा होगा तो माइनॉरिटी वर्ग को होगा, और वो कई बार कह चुके हैं कि भारत तो गरीब देश है ना, और भारत में रहने वाले भी कुछ लोग गरीब हैं, तो अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो गरीबी से लड़ो। ऐसी बात कहने का मतलब उनका मन एकदम साफ है, वो आर्थिक रूप से सक्षम हो करना चाहते हैं अल्पसंख्यक को भी। वो गुजरात में सीएम थे, इतने समय रहे, पर कैपिटा इनकम अगर अल्पसंख्यक की सबसे ज्यादा कहीं पर है तो वो गुजरात में, तो कैसे वो अल्पसंख्यक विरोधी हो सकते हैं? इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारे काम हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो इमेज है वो एंटी दलित और एंटी माइनॉरिटी, और शायद यही वजह है कि रविशंकर प्रसाद जी वो सामने आते हैं और वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा दलित वर्ग से हमारे MPs हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनको ये बात गिनानी पड़ती है कि हमने राष्ट्रपति दलित वर्ग के किसी शख्स को बनाया है, तो ये सब बातें बताने की कहाँ ज़रूरत पड़ गई? देखिए ये जो मैं फिर कह रहा हूँ आपको जी, 2014 के बाद जितने चुनाव हुए, ये दिल्ली और बिहार छोड़ दीजिए जी, उस सब में कुछ प्रमुख दल हाशिए पे गए, हम त्रिपुरा तक सीटें जीत रहे हैं, चुनाव मतलब राज्य जीत रहे हैं, तो उनको क्या लग रहा है कि ये मोदी इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है? बिना पॉपुलरिटी चुनाव जीते जाते हैं क्या? मसले का हल क्या लगता है आपको, किस तरीके से ये जो कई बार मूर्तियां तोड़ दी जाती हैं, कई बार कुछ दलित वर्ग के लोगों के ऊपर हमला कर दिया जाता है, कई बार उन्हें सताया जाता है, परेशान किया जाता है, अलग अलग जगहों से ऐसी खबरें आती हैं कि वो दूल्हा जो है वो घोड़ी पर नहीं चढ़ सकता, देखा होगा अभी आपने उत्तर प्रदेश में, और उसको कोर्ट से भी इजाजत नहीं मिली, परमिशन नहीं मिली, ये जो मसले का हल है ये क्या आपको लगता है कि ये दलित वर्ग जो है उसका उत्थान भी हो जाए और ये दूरियां भी कम हो? देखिए दलित वर्ग का निश्चित रूप से उत्थान होगा, जिसमें कोई शक नहीं है, योजनाओं का लाभ भी दलित वर्ग अब लेने लग गया है, एजुकेशन की ओर भी तेजी से बढ़ा है, लेकिन ये सदियों की एक समस्या है जी, सदियों की समस्याओं का आप 2014 से आंकलन कर रहे हो, देश तो 1947 में आजाद हो गया ना, क्या उससे पहले ऐसी घटनाएं नहीं घटी क्या? जिन घटनाओं का आपने जिक्र किया बिल्कुल ठीक है, उससे पहले नहीं घटी क्या? लेकिन ज्यादा उसको हाईलाइट लोग 2014 के बाद करते हैं, क्यों करते हैं?
क्योंकि मोदी जी की जो, मैं फिर कह रहा हूँ, हकीकत में मैं दलित समाज से ही आता हूँ, दलित समाज के बीच में रहता हूँ, जिस जो कोई पार्टी से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है उसको छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो सामान्य दलित वर्ग का आदमी है वो मोदी जी को लाइक करने लग गया। वो जब लाइक करने लग गया तो इनको लगता है कि यार ये गुजरात में भी कैसे जीत के ऊना के बाद, ये इतनी घटनाओं के बाद इसमें यूपी में कैसे जीत गए। इसका मतलब पॉलिटिकल साइंस में वोटिंग बिहेवियर मोदी जी ने बदला है। वीकर सेक्शन एससी एसटी और कुछ जगह माइनॉरिटी भी, आपने ये तीन तलाक का मुद्दा है वो साधारण मुद्दा नहीं है, गया है, गया है, कहीं ना कहीं पहुंचा है। तो ये उनको लगता है कि ये तो बहुत पॉपुलर हो रहा है, इसकी पॉपुलरिटी को डेंट कैसे करें, ये विषय है और कोई विषय मैं नहीं समझता। ये बताइए साहब, आप ये सारी बातें कह रहे हैं कि भाई 2014 के बाद जो है वो पहले भी घटनाएं होती थी लेकिन 2014 के बाद उनको हाईलाइट ज़्यादा किया जाता है, लेकिन 2014 के बाद ही अखलाक होता है, 2014 के बाद ही पहलू खान होता है, 2014 के बाद ही बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं कि ट्रेन में कोई जा रहा है उसको नौजवान को कोई बच्चा नहीं, उसे पहले भी होती थी। तो ये पहले भी, लेकिन क्या ये अच्छी बात है? पहले नहीं, नहीं अच्छी बात नहीं है, लेकिन इस सब घटनाओं में प्रधानमंत्री जी इनके अगेंस्ट में बोले, क्या ऊना में नहीं बोले, क्या बाकी में नहीं बोले, क्या इसमें गोरक्षा वाले इशू पे नहीं बोले, आप खुद मीडिया से जुड़े हुए हो, सब में बोले हैं पर असर नहीं हुआ। असर हुआ है तभी तो सामान्य जन मोदी जी से जुड़ा है, तभी तो जितने चुनाव हो रहे हैं उसमें ये जो पॉलिटिकल पार्टी हारशे पे जा रही है। असर कैसे नहीं हुआ? असर तो हुआ ही है ना। अभी राहुल गांधी ने एक और ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि मतलब इस सरकार में बहुत सारी चीजें लीक हो रही हैं, लोग जो है पैसा लेकर के भाग रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, तो ये लीक सरकार के वीक प्राइम मिनिस्टर हैं। देखिए कितने घोटाले यूपीए में हुए जी, इस मोदी जी के राज में बहुत जबरदस्त अंकुश लगा है भ्रष्टाचार पे भी। और ये जो आप पीएनबी घोटाले की बात कर रहे हो ना, ये शुरू कब हुआ, ये हमारे पार्लियामेंट में भी चर्चा का विषय है। 2011 में जब पार्लियामेंट का सेकंड पार्ट शुरू होने वाला था जी, तब इन्होंने ऐसा कहा कि जैसे अभी ये बड़ा हथियार हमें मिल गया, तो इन्होंने सबसे पहले कहा हमको, और मैं उस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में था और सुमित्रा ताई को कहा और जोर जोर से कहा कांग्रेस ने कि हम पहले पीएनबी की चर्चा करना चाहते हैं पहले। तो हमने कहा ये बजट की चर्चा तो शुरू कर लीजिए, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, फाइनेंशियल बिल पास करना होता है, आप भी जब राज में रहे हो, नहीं तो 1 अप्रैल से ये आपका बजट लागू नहीं होगा तो लोगों को तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। ये सब कहने के बावजूद भी बोला आप हंगामे कर लेना, कुछ भी कर लेना, हम पहले पीएनबी पे चर्चा करना था। इसका मतलब जैसे ही हमने अलाउ किया, करो चर्चा, हम तैयार हैं, 193 में उन्होंने नोटिस दिया। दूसरे दिन ही राहुल गांधी कहीं से बाहर से आए, उनको ये ज्ञान हो गया कि ये क्या आपने एक्सेप्ट कर लिया, ये तो चर्चा 2011 से होगी, तो पहले दिन से ही बैल में आ गए। क्यों, ये क्या सवाल है साहब कि नीरव मोदी के केस में 2014 से ही चर्चा होगी, 2011 से नहीं होगी, ये क्या सवाल है? लेकिन सवाल ये राजनीति है। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये राजनीति है, नीरव मोदी। नहीं नहीं, आप नहीं मानते, सही आपकी बात, आप नहीं मानते, 2011 करेंगे सब लोग, सब 2011 से होनी चाहिए चर्चा, आप भी सियासत करेंगे वो भी सियासत करेंगे, लेकिन उनका ये कहना है कि विजय माल्या और नीरव मोदी अब भागे हैं, मोदी हुकूमत के दौरान भागे हैं वो। नहीं नहीं, विजय माल्या को लोन किसने दिया? वो यही तो कहने की लोन किसने दिया, लेकिन भागे अब है वो। नहीं नहीं, लोन किसने दिया? और नीरव मोदी का भी केस अब चर्चा में आता ना तो परतें खुल जाती उनकी, इसलिए वो चर्चा से भाग रहे हैं। वो बहाने ढूंढ रहे हैं और आपकी हुकूमत बहाने दे रही है। नहीं नहीं नहीं, हमारी हुकूमत का विषय नहीं, बंगाल में हमारी हुकूमत थोड़ी है, हमारी हुकूमत तो लेकिन आपकी है ना, देखा जाएगा। नहीं नहीं, रामनवमी ये बताओ, ये बताओ रामनवमी में क्या हिंदुस्तान में जुलूस नहीं निकलना चाहिए? तो क्या वो राम जी का जुलूस कोई पाकिस्तान में निकलेगा? कहां निकलेगा? ठीक है, निकलना ही चाहिए ना, लेकिन कोई जुलूस निकालने का कोई गलत नारे लगाएगा। रामनवमी के मौके पर जो है वो अलग अलग जगहों पर हमने देखा कुछ घटनाएं हुई हैं, हिंसक घटनाएं हो गई हैं और वो फसाद में जो है मामला बदल गया, चाहे हम बिहार की बात कर लें चाहे वेस्ट बंगाल की बात कर लें, और वेस्ट बंगाल में तो जान भी गई है, और बिहार में आपने देखा कि एक मरकजी वजीर है उनके बेटे का भी नाम आ गया, वो जेल के अंदर हैं अभी। किस तरीके से इन घटनाओं को देख रहे हैं? ये घटनाएं जो है समाज के ऊपर कलंक तो है, लेकिन कैसे रोका जाए, कोई रास्ता सूझता है आपको? देखिए हमारा जो मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास जी, जितने भी वर्ग हैं जितने भी समुदाय हैं सबको साथ लेकर के हम विकास करना चाहते हैं, और विकास और सुशासन हमारे दो ही मंत्र हैं। ये जो घटनाएं हो रही हैं ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए, हम भी कह रहे हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, अभी आपने जो एससी एसटी एट्रोसिटी जगह भी आप देख लेना जी,
कि जहाँ चुनाव नहीं है ना अभी जल्दी, वहाँ ये इतना गंभीर नहीं था मुद्दा। जहाँ अभी चुनाव नहीं, चुनाव है वही मुद्दा था, राजस्थान मध्य प्रदेश। और जहाँ हम पॉपुलर हो रहे हैं, जैसे बंगाल में हम तेजी से, हमारा वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, बिहार में हम सरकार में वापिस आ गई, तो उनको लग रहा है कि ये पॉपुलरिटी, मैं फिर कह रहा हूँ विषय यही है और कोई विषय नहीं है, कि मोदी जी की पॉपुलरिटी को डेंट कैसे करें, वो बहाने ढूंढ रहे हैं और आपकी हुकूमत बहाने दे रही है। नहीं नहीं नहीं, हमारी हुकूमत का विषय नहीं, बंगाल में हमारी हुकूमत थोड़ी है, हमारी हुकूमत तो लेकिन आपकी है ना, देखा जाएगा। नहीं नहीं, रामनवमी ये बताओ, ये बताओ रामनवमी पे क्या हिंदुस्तान में जुलूस नहीं निकलना चाहिए? तो क्या वो राम राम जी का जुलूस कोई पाकिस्तान में निकलेगा? कहाँ निकलेगा? ठीक है, निकलना ही चाहिए ना। लेकिन कोई जुलूस निकालेगा, कोई गलत नारे लगाएगा इलाके में जाकर के, मैं कहता हूँ जितने भी वर्ग बातें करेगा तो गलत है ना। जितने ही वर्ग हैं उनके सबके जुलूस निकलने चाहिए, जितने ही वर्ग हैं यहाँ रहते हैं, जितने धर्म रहते हैं उनके धर्म गुरुओं के भी जुलूस निकलने चाहिए, शांतिपूर्वक निकलने चाहिए, ये हमारी नीति है। और जितने भी हमारे नेशनल हीरो हैं उनकी सबकी मूर्तियाँ सुरक्षित रहनी चाहिए। आपका ताल्लुक राजस्थान से साहब, और राजस्थान में जो सियासी उठापटक है वो बहुत तेज़ हो गई है, चाहे कांग्रेस की बात कर ले चाहे बीजेपी की बात कर ले। बीजेपी के एक जो MLA थे उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, किस तरीके से देख रहे हैं जो राजस्थान में चल रहा है, चूँकि इसी साल के आखिर में इंतखाबात होने हैं, वहाँ इलेक्शन होने हैं। देखिए 2018 में चुनाव है राजस्थान विधानसभा की जी, और जब चुनाव होते हैं तो नेचुरली इस तरह की घटनाएँ या राजनीतिक हलकों में चाहे कांग्रेस हो चाहे रूलिंग पार्टी हो, होती है। हम निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। बाई इलेक्शन में जो रिजल्ट आए हैं साहब वो तो कुछ और ही कह रहे हैं। नहीं, वो हमें जैसे हमारे वसुंधरा जी ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कि ये अलार्म है हमारे लिए, हम इसका उनकी जांच भी हुई है, उसमें समीक्षा भी की है, ये हमारे लिए अलार्म है, लेकिन हम निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। क्या क्या मतलब फॉर्मूला क्या लगता है आपको? चूंकि ऐसा माना जा रहा है कि कुछ जो है कैबिनेट में भी कुछ रिशफल हो सकता है, कुछ लोगों को नए लोगों को लाया जा सकता है, दो जो है डिप्टी CM हो सकते हैं, जो स्टेट प्रेसिडेंट है वो कोई और हो सकता है, मतलब क्या लग रहा है कैसे करेंगे? चूंकि ये बड़ा डेंट लगा है और इतने कम वक्त कम है आपके पास। ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय है, ये मेरा विषय है भी नहीं, चूंकि राजस्थान से आपका ताल्लुक है, समझते हैं आप सियासत को। नहीं नहीं, वो सब ठीक है, लेकिन विषय ये राष्ट्रीय नेतृत्व का है, और बाकी चीज़ें ज़्यादा जो आ रही है ना, वो दो डिप्टी CM होंगे या वो अध्यक्ष बदलेगा, ये मुझे लगता है मीडिया की उपज ज़्यादा है, सच्चाई नहीं है इसमें, मीडिया की उपज ज़्यादा। मैं घनश्याम तिवारी ने जो पार्टी बनाई है, क्या लगता है नुकसान करेंगे आपको? देखिए, अब जब देश आज़ाद हुआ था जी, तो हमने संसदीय प्रणाली अपनाई थी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसमें मल्टी पार्टी सिस्टम ही रखा है हमने, हमारे संविधान निर्माताओं ने, तो मल्टी पार्टी लोकतंत्र में होती है। जैसे मल्टी पार्टी होती है वैसे मल्टी टैलेंटेड लोग भी होते हैं, और उनमें से आप भी एक हैं। आप जो हैं वो ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, अलग अलग ओहदों पर रहे हैं, सियासत में आ गए हैं, तो वो लाइफ और ये लाइफ कैसे इन्जॉय कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं दोनों लाइफ को? देखिए, उसमें मैं एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के रूप में काम कर रहा था, और यहाँ मैं पॉलिसी प्लानिंग नीति निर्माण, मेरा कैनवास बड़ा हो गया, तो ये बड़ा विषय है। वहाँ एक कानून बना, उसको लागू कैसे करना है, वहाँ तक एक एग्जीक्यूशन क्या है, कैसे होगा, एक लिमिट। तो जो एक बड़ा सोच होता है वो किसी और का होता है, लागू किसी को करना पड़ता है, ब्यूरोक्रेट का काम लागू करना होता है, या अपने सोच के साथ समाज को कैसे सुधार सकते हो, देश में क्या सुधार कर सकते हो, कानून में क्या सुधार कर सकते हो, ये सारे विषय आते हैं। इसका मतलब यहाँ कैनवास बड़ा है, ये मेरे पर्सनैलिटी को सूट भी करता है ये विषय। जो सादगी है इसको भी लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, इसको कैसे बना करके रखा आपने? चूंकि देखिए सवाल साहब इसलिए है कि आपने अच्छी लाइफ जी है, हमेशा एक स्टैंडर्ड की लाइफ इसलिए जी है चूंकि आप बड़े अधिकारी रहे हैं, फिर अब जो है आप पॉलिटिक्स में आ गए हैं, लेकिन फिर भी उस सादगी को अपने साथ लेकर के चलना ये मुश्किल होता है। नहीं, आपने सही कहा कि भाई ये मुश्किल होता है, लेकिन मैंने अपने आप को ढाला इसमें। देखिए, साइकिल से मैं पार्लियामेंट जाने का जो मैंने तय किया था वो इस कारण से किया था कि कार्बन एमिशन को कम करना चाहिए अपने को। बिल्कुल, पेरिस एग्रीमेंट में जब हमने साइन कर दिए तो कोई लीड ले उसको, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी विषय धुएं का आया, दिल्ली का भी आया, तो भाई हमें देख करके कोई और साइकिल वाला भी साइकिल के चलने की कोशिश करेगा। तो कार्बन एमिशन को कम करने के लिए मैं दिल्ली में भी चलता हूँ, कई बार क्षेत्र में भी चलता हूँ, साइकिल रैली भी निकालता हूँ। चूंकि महत्वाकांक्षाएं जो है वो सबकी अपनी अपनी होती हैं, बीच में नाम चला था कि जो है आप चीफ मिनिस्टर भी बन सकते हैं राजस्थान के, तो किस मुकाम तक पहुंचने की जो है वो प्लानिंग है या कुछ सोचा है जहन में, या बस खाली जो है आपको एक तरीके से खिदमत करते जाना है, सेवा करते जाना है, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है?
देखिए, मैं कोई महत्वाकांक्षी आदमी नहीं हूँ जी। जो अब तक मिला है वो खूब मिला है। मैं तो बहुत एक गरीब घर से आता हूँ, एक गरीब मोहल्ले से आता हूँ, फिर भी मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरा काम यही है कि जो मिलेगा, जैसा मिलेगा उसको एक्सेप्ट करेंगे और काम में सिर्फ मन लगा करके सेवा करेंगे जनता की। ये विषय जैसे अभी बैठे हैं यहाँ केंद्र सरकार में मोदी जी के सहयोग के रूप में, बिल्कुल सुबह से शाम तक किससे मिलना है, क्या करना है, लेकिन विषय एक ही है कि काम ईमानदारी से करना है। बेईमानी मुझे अब नहीं करनी, किसी भी रूप में नहीं करनी। कोई पैगाम देना चाहेंगे, चूंकि जिस तरीके से माहौल चल रहा है खासतौर से दलित वर्ग के लिए, कि भाई हुकूमत जो है वो आपके साथ है और कहीं जो है वो गफलत में जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं अनुसूचित जाति और जनजाति के भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि जब हम प्रधानमंत्री जी से मिले थे इस विषय में, तो बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण था प्रधानमंत्री जी का। वो ये जो भ्रम फैला रहे हैं, इस भ्रम में आने की कोई कोई जरूरत नहीं है। हम जितने भी विषय हैं, चाहे रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के गठन का विषय हो, चाहे यूजीसी का भी जो विषय आया वो विषय हो, चाहे एससीएसटी एट्रोसिटी का विषय हो, कोई विषय हो, हर विषय में प्रधानमंत्री जी सकारात्मक दृष्टिकोण से सोच रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दलित वर्ग के हितों के लिए प्रतिबद्ध भी है और कटिबद्ध भी है और अपने आचरण से उसको करके दिखाना चाहती है। फिर भी वो विषय कि उनका मूल मंत्र है सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से ये वर्ग आगे बढ़े, ये नौकरी मांगने वाला वर्ग नहीं रहे, ये नौकरी देने वाला वर्ग भी बने, ये उनका मूल मंत्र है। सर, हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये थे अर्जुन राम मेघवाल साहब, बड़ी ही साफ सुथरी तरीके से सियासत करते हैं और एक अच्छी इमेज के साथ सियासत में आगे बढ़ रहे हैं, बेबाकी से बात करने के लिए भी पहचाने जाते हैं। बेबाक बात में इतना ही, आदाब।